धूप से ठंड की ओर जा रहे हैं। तो नैनीताल 3 दिन की बारिश में पूरा ही पानी भर गया था। ये गैंग लगी हुई है ना, ये सब मछलियों को खाना ना खिला रहे हैं, ब्रेड रेड। ऐसा लग रहा है रात के 7-8 बज चुके हैं, लेकिन दिन का वक्त है यार ये। गाइस क्या हाल है सभी का, आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं रोहित, सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो भाई 3 दिन का पीक सीजन रहा और अचानक से सीजन खत्म हो गया है शहर में। आज बहुत ही ज्यादा एक तरीके से शांति या मायूसी भी कह सकते हो, लेकिन जिस तरीके का 3 दिन का माहौल था ना यार, बम्पर सीजन था यार, भयानक वाला। तो आज की क्या स्थिति है, वैसे शून्य पर ही है, बाकी सुबह बारिश हो रही थी। बाकी सामने तलिताल में देखो कोहरा दिख रहा है जो यहाँ को आ रहा है, और मल्लीताल में हो रही है धूप अच्छी निकली हुई है। तो हम जाएंगे कोहरे की तरफ को पूरा घूमते हुए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। माहौल की बात करें तो बहुत ही अच्छा हो रहा है यार, धूप निकली है भी, 3 दिन के बाद धूप के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी लेकिन क्या है कि सामने देखो, अभी मैं बताया ना कोहरा जो आ रहा है वापस इधर को। तो हम ऐसा करते हैं, घूमते हुए चलेंगे कोहरे की तरफ को ही। तो डेक से निकलते हैं, जूमलैंड से, जूमलैंड वाले एरिया में हूँ फिलहाल मैं, तो यहीं से निकल रहे हैं सीधे। न्यू कैपिटल सिनेमा के पास हूँ। अगर वेदर की बात करते हैं तो 21 डिग्री के आसपास इस वक्त हो रहा है, और शाम को 15 डिग्री के आसपास जा रहा है। और एक यार बैड न्यूज़ है, अगर दोबारा से अगर आप वीकेंड पर आ रहे हो, शनिवार इतवार और मतलब सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे संडे अगर आ रहे हो, तो दोबारा से 3 दिन का मौसम ख़राब है यार। जैसे ही प्रीवियस वीकेंड में मौसम ख़राब रहा है 3 दिन का, तो इस वीकेंड पे भी यार इट्स अ बैड न्यूज़, मौसम दोबारा से ख़राब होने वाला है भाई। बारिश मिलने वाली है तीनों ही दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे अगर आ रहे हो तो। उत्पात में हल्की फुल्की चहल पहल जो रेगुलर रहती ही है वैसी ही हो रही है, बाकी दुकानदारों ने दुकानें लगा ली हैं। और भीड़ भाड़ तो यार नॉर्मल सी भीड़ है, कुछ ऐसी ज़्यादा नहीं है। कुछ टूरिस्ट ऐसे भी हैं जो वीकेंड पर रुक गए थे प्रीवियस वाले में, तो वो रुके हुए हैं क्योंकि बारिश में लोग घूम पाए नहीं यार, तीनों दिन तगड़ी बारिश पड़ी है। बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए थे, क्या यार हम छुट्टी लेकर आए, मतलब छुट्टी थी 3 दिन की बढ़िया और हम आए और घूम ही नहीं पाए, तो उस चक्कर में लोग रुक गए। और फाइनली आज अच्छी धूप निकली है, ये अच्छा हुआ, धूप को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे लेना है रिक्शा, रिक्शा स्टैंड पहुँच गया हूँ मैं। भाई खाली पड़ा हुआ है पूरा रिक्शा स्टैंड यार, एक एक मैं लग जाएगा शायद, मैं इस वाले में चला जाऊँ। एक रही ई रिक्शा, शायद ये भी भर गई है। चलो जाते हैं देखते हैं, 1 2 3 4, अगर एक मैं हुआ तो शायद इसमें मैं निकल लूँगा, मैं पहले टिकट ले लेता हूँ। चलो निकलते हैं, मिल गई ई रिक्शा। धूप से ठंड की ओर जा रहे हैं। तो नैनीताल का बड़ा ही विचित्र सा मौसम रहता है भाई, यहाँ तलिताल मल्लीताल जो एरिया है, या तलिताल या मल्लीताल, जैसे तलिताल में अभी सामने देखो कोहरा लगा हुआ है, मल्लीताल में बढ़िया धूप है यार। तो हम ठंड की ओर जा रहे हैं तो ठीक है, बाकी मॉल रोड में ठीक ही है। देखो सुनसान ही हो रहा है यार, बिल्कुल बिल्कुल ही सुनसान है। आ गए हैं तलिताल, करीब 3 मिनट लगते हैं ई रिक्शा से आने में। मैं सोच रहा था मुझे मैनुअल रिक्शा मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली, क्योंकि मुझे मैनुअल रिक्शा में ज़्यादा आता है ना, वहाँ से खुला खुला होता है। ई रिक्शा में तो बैठो डब्बे में तुरंत 3 मिनट में आ जाओ, उसमें कम से कम 5-6 मिनट लगते हैं आराम से पूरा एक्सप्लोर करते हुए आओ। तो भाई टेम्परेचर ना तलिताल और मल्लीताल का बहुत अलग होता है, उधर हो रही है धूप, यहाँ भाई बादल लगे हुए हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ठंडा है। लेकिन आप जब हल्द्वानी की तरफ से आओगे तो पहले तलिताल ही पड़ेगा, और अगर कालाडूंगी की तरफ से आते हो तो पहले आपको पड़ेगा मल्लीताल। तो नैनीताल एंटर करने के 2 जगहें हैं। थोड़ी देर पहले हम सामने थे, देखो सामने अभी धूप दिख रही है ना, बादल देखो, चाइना पिक तो दिख भी नहीं रहा है यार, बिल्कुल बादलों में ढका हुआ है। तो सामने ही है धूप, यहाँ बिल्कुल बादल लगे हुए दिखने लग गए हैं। और देखो पानी कितना भर गया था यार भाई, 3 दिन की बारिश में पूरा ही पानी भर गया था। ये देख रहो बिल्कुल लेक लबालब है, फुल एकदम फुल है। और डार्ट, चलो मैं आज डार्ट भी दिखाता हूँ कहाँ से पानी छोड़ा जाता है। एग्जैक्ट तो जगह नहीं दिखेगी, बट हाँ मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा कि ये डब्बा टाइप है और उस डब्बे से पानी छोड़ा जाता है। तो पहले तो नैनीताल एंटर करते ही भाई ये खूबसूरत नज़ारा दिखेगा, जो लोग अगर हल्द्वानी की तरफ से आते हो तो। ये रहा आर्मी रिकूप सेंटर, ओए भाई ये हैप्पी बर्थडे कर देता अभी। तो ये कह रही है चलने के स्पेसेस हैं यार, आगे तक वो रेलिंग दिख रही है ना पूरी, तो पानी तो एकदम फुल है, यहाँ से दिख भी नहीं रहा यार। अभी मुझे और आगे जाना पड़ेगा तब दिखेगा डार्ट वाला एरिया। हे भाई चलो, अच्छा डॉग है, डॉग से आए लो हो गई, तो हम चलते हैं वाली स्पेस देखने, डार्ट वाले एरिया की तरफ को जा रहे हैं। सब व्यूवर्स एक चीज़ और पूछ रहे थे मुझसे कि नैनीताल आने का बेस्ट टाइम क्या रहेगा। ये तो बहुत से लोग ही पूछते हैं कि यार यार शहर आने का व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू कम यार। मैं तो बोलता हूँ यार अक्टूबर में आ जाना, फिलहाल अभी क्या सितंबर छोड़कर अक्टूबर में आ जाना, तब बारिश भी नहीं होगी और बड़ा ही प्लीजेंट सा वेदर अक्टूबर में रहता है यहाँ का। आ गए हम तलिताल, और ये रहा तलिताल डार्ट। यहाँ पर मछलियों को, ये जो पूरी गैंग लगी हुई है ना, ये सब मछलियों को खाना ना खिला रहे हैं ब्रेड रेड। तो डार्ट ये बोट जैसी दिख रही है, थोड़ा सा और आगे को जाता हूँ मैं, दिखाता हूँ डार्ट क्या है।
डार्ट एग्जैक्ट समझ में आएगा फिर कहाँ से पानी छोड़ा जाता है लेक का। तो ये जो हरा जैसा ये दिख रहा है ना, ये यहाँ से अंदर को जाकर पानी निकलता है जो छोड़ा जाता है लेक का। जब देखो लेवल ये दिख रहा है ना पूरा एकदम पीक पर ही है, मतलब खतरे वाला नहीं, मतलब अपने फुलनेस एक स्पेसिफिक होता है ना कि इतना तो पानी होना चाहिए, उससे बहुत ऊपर है तो पानी छोड़ा जा रहा होगा अभी। तो देखो यहाँ इधर देखो मछलियों की भीड़ भाई, यार क्या ही है, ये तो झुंड में है पूरी और ब्रेड खा रही हैं ये, अरे तेरी क्या ही यार। सामने देखो विचित्र मौसम, सामने है धूप और हम तल्ली ताल में देखो यहाँ कोहरा लगा हुआ है, पूरा तल्ली ताल में दिख रहा है। ये तो खैर सही में ध्रुवी प्रदेश है यार तल्ली ताल, और नैनीताल का देखो कितना विचित्र मौसम है कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही भाई पूरा ही मौसम चेंज हो गया, कहाँ बढ़िया धूप निकली हुई है और यहाँ कहाँ कोहरा लगा हुआ है। यहाँ आकर आप कह नहीं सकते हो यार यहाँ पर ठंड नहीं हो रही होगी, और वहाँ नहीं कह सकते होगी वहाँ पर यार मतलब ठंड हो रही होगी, मतलब कुछ नहीं है, यहाँ का मौसम को कुछ समझ ही नहीं आता। तो ऐसा करते हैं बोट स्टैंड तो यहाँ पर तो क्या ही चले, हम यहाँ पर पीछे जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत। तो सामने बोट भी दिख रहा है भाई, नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर 68 किलोमीटर है, काठ गोदाम है करीब 35 किलोमीटर्स, और हल्द्वानी यहाँ से है 40 किलोमीटर्स के आसपास है। इसमें लिख नहीं रखा हल्द्वानी, क्यों नहीं लिखा है यार पता नहीं, हनुमानगढ़ी ज़रूर लिखा है, पता नहीं क्यों नहीं लिखा है। चलो ये रहा पूरा तल्ली ताल बाज़ार। तो जिस तरीके से मल्लीताल में हेरिटेज मार्केट है तो यहाँ भी एक तरीके से हेरिटेज मार्केट यही है, और ये भी कुमाऊनी शैली में बना रखी है पूरी, वही रोज़मर्रा का सामान वामान जो होता है हर मार्केट में वही यहाँ भी मिलता है। तो ज़्यादा अंदर तो नहीं जाते, हम चलते हैं बस स्टैंड की तरफ को और वहाँ का भी माहौल देख लेते हैं। खैर आज तो भाई खूब जमकर बस होंगी, हाँ यहाँ देखो कोहरा वोरा सब दिख रहा है ना, और बसें इतनी होंगी ना, कल परसों ऐसा हो रहा था बस नहीं थी और लोग ज़्यादा खड़े हुए थे, ऐसी मारामारी हो रही थी ना। तो ये तो खैर चलता रहता है नैनीताल का, जैसे वीकेंड आता है और अचानक से कहीं छुट्टी उट्टी हो जाती है डिक्लेयर, तो भाई बिल्कुल नैनीताल में बस मिलना ऐसा हो जाता है ना यार। मज़े की चीज़ बताता हूँ, लाइक मुझसे लोग ना नैनीताल की अपडेट के रिगार्डिंग कि मौसम कैसा हो रहा है, हम आ रहे हैं ठीक रहेगा नहीं रहेगा। देखो आज के ही दिन मैं अभी मल्लीताल में था, वहाँ कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, और मैं 1 किलोमीटर, ये नैनीताल ही शहर है, और देखो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर पीछे देखो बिल्कुल यहाँ ऐसा लग रहा है ध्रुवी प्रदेश, और ठंड इतनी हो रही है ना यहाँ पर को, और मल्लीताल में भाई बढ़िया मौसम है, धूप निकली हुई है, चटक धूप है यार, लोग इंजॉय कर रहे हैं। मल्लीताल के हिसाब से आज अच्छा मौसम है, तल्लीताल के हिसाब से आज ठंडा है आज भी। सो अब यार एग्जैक्ट बताना शहर का मौसम का तो बड़ा ही यार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पल पल इस तरीके से मौसम बदल रहा है यार, क्या कहूँगा मैं भी यार, बड़ी हंसी आ जाती है यार, लोग मुझसे पूछते हैं हम नैनीताल कल आ रहे हैं मौसम कैसा रहेगा, मैं कहता हूँ ठीक है, अब वो आते हैं यहाँ पर लगता है यार मौसम तो ख़राब हो रहा है यार, ये मतलब इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं झूठ बोलता हूँ भाई, जो एग्जैक्ट यहाँ हो रहा है यहाँ पल पल मौसम बदल देता है। तो यहाँ पर एक कहावत भी है कि नैनीताल का मौसम और बॉम्बे का फैशन कब बदल जाए कुछ भरोसा नहीं होता, तो वो एग्जैक्ट बैठता है यार। अब तो आसो देख ही लिया हमने, ऐसा लग रहा है रात के 7-8 बज चुके हैं, लेकिन दिन का वक्त है यार ये भाई, क्या ही कहो। और देखो ये जो नीचे नाला जा रहा है ना, ये डाट वाला एरिया ही है, यहीं से पानी छोड़ा जाता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा जा रहा है तो पानी निकल ही रहा है, और डाट इसके अंदर से यहाँ से दिख जाता है कि यहाँ से ही पानी जो छोड़ा जाता है, ये पूरा बहुत बड़ा नाला है। तो अब नाले आला क्या ही दिखाऊं यार मैं तुम लोगों को तो चलो चलते हैं यार, यहाँ से तो दूर ही चलने हैं, ऐसे मौसम से तो बड़ा ही यार बेकार सा लग रहा है मुझे, इससे अच्छा धूप में ही चलते हैं। वापस आ गया हूँ भाई मल्लीताल, और बाकी यहाँ तो अच्छा ही मौसम हो रहा है, DSF फ्लैट्स ग्राउंड में, और क्रिकेट भी चल रहा है यहाँ पर, फुटबॉल भी चल रहा है, वॉलीबॉल भी चल रहा है, मतलब सब यहाँ पर गेम चल रहा है, प्रैक्टिस जो शाम को होती है उस टाइप का माहौल बना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट तल्लीताल की तरह ठंडा नहीं हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर यार ठंडा कुड़कुड़ आने वाला होने लग गया था ना कोहरे की वजह से, यहाँ पर क्या है कि मुझे लग रहा है ऐसा कि मैं वहाँ के बादल यहाँ खींच लाया हूँ, लेकिन ठंडा नहीं हो रहा है यार यहाँ पर। यहाँ पर क्रिकेट की प्रैक्टिस चल रही है, इधर ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं, उधर भी वॉलीबॉल ही चल रहा है, वहाँ पर अंडर 18 फुटबॉल मैच चल रहा है, बाकी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो ही रही हैं, और कुछ डॉग्स इधर बैठे हुए हैं, ये महाशय पता नहीं अभी किससे भौंक रहे थे बड़ी देर से, मैंने कुछ अच्छा वो सामने अच्छा उसे भौंक रहा था वो, ओके अब समझ आया, मैं समझ में नहीं आता बहुत देर से किसे भौंक रहा है ये महाशय उधर, ये डॉग्स यार अपनी टेरिटरी में अगर कोई अनजान डॉग आ जाए बस उसके बाद तो एक आँख नहीं फूटते, पता नहीं क्या ही सीन है इन लोगों का। वैसे कहीं मुझे भी भौंकने ना लगे तो मुझे भी चुपचाप निकल जाना चाहिए, लेकिन खुद अभी भी उसे ही देखने में लगा, उतनी दूर से इसकी नज़रें वहीं हैं अभी। दिस इज़ इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सो एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो दबाना ज़रूर, मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।
शुम।